सो हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग निकल गए थोड़ा सा रील शूट करने, और रील का अलग ही भूत चढ़ा हुआ है मेरे को इस समय, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा रील शूट कर लेते हैं, देखते हैं कैसा सीन रहता है। आज मेरे को छुट्टी मिल गई थी, तो अपन दोनों बस बुलेट के साथ निकल चुके हैं पुराने लखनऊ की तरफ, और चल के आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा सूरज ढलने का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए गुड मॉर्निंग नहीं बोला, शाम हो गई है थोड़ी सी। तो अभी चलते हैं हम लोग, देखते हैं वहाँ पे कैसा क्या सीन रहता है। काफ़ी दिनों बाद मैं निकला हूँ ऐसे घूमने, छुट्टी मिली थी, तो आज काफ़ी शांत शांत लग रहा है। मतलब पैंट ना पहन लिया, मास्क नहीं पहन रहा है, थोड़ा सा कैजुअल कैजुअल फील आ रहा है अपने को। और चलते हैं और देखते हैं शूट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ओपन में शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए तो खासकर, तो पहले चलते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन वहाँ का है। अगर शूट कर पाएंगे तो कर पाएंगे। और आज मैं अपना जो GoPro का, मतलब GoPro कह रहा हूँ, जो हमारा शूट मतलब माइक का सेटअप था मोटो ब्लॉगिंग का, वो लगा नहीं पाया था हेलमेट में, तो फिर हम लोग ऐसे चले। और ये रॉयल इनफील्ड का हेलमेट है, तो इसमें नीचे वो लगना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है माउंट, क्योंकि नीचे उसमें कोई कवर नहीं रहता रॉयल इनफील्ड के माइक में, तो सेटअप लगना मुश्किल हो जाता है। तो बस रोड के कुछ नज़ारे ऐसे हैं, तो मैंने इसको बोला कि चलो रील बनाने चलते हैं, तो एकदम से वो हिल गया, कह रहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, सड़क में लोग ऐसे जज करेंगे कि हम लोग टिकटॉक बनाते हैं, तुम फैशन रील बनाने से ही मेरे को क्या बोल रहे हो। मतलब मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे अपन बस कोशिश करके देखेंगे कि बनती है कि नहीं बनती। और सच में हम लोग यहाँ पे आए, हम लोग ने कोशिश की रील बनाने की। मतलब वो वाला गाना है ना, कौन सा कौन सा गाना है, लेके तेरी काली काली कार डालिंग है ना, तो हम लोग के पास काली बुलेट थी, तो हम लोग ने सोचा कि इस पे हम लोग बनाते हैं काली काली कार डालिंग के ऊपर गाने पे। और मैं लिटरली लिरिक्स बोल रहा था और मुझे हो ही नहीं पाया था। मतलब ब्लॉग करना पब्लिक में अभी भी हम लोग कर रहे हैं और लोग हम लोग को देख रहे हैं, मगर हम लोग को भी इतनी शर्म नहीं आ रही, मगर वो ऐसा फील आ रहा था कि कोई अब आगे हमको कहेगा कि भैया टिकटॉक बना रहे हो। तो हम लोग ने कहा नहीं यार, ये तो काम हम लोग से होना थोड़ा सा मुश्किल है ऐसे ये काम होना। तो फिर हम लोग ने कहा कि थोड़ा सा सिनेमैटिक शूट करने की कोशिश करते हैं। अब मैं तो चलो थोड़ा सा सिनेमैटिक शूट कर लेता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब चलाया तो सीखा है, मगर मैं जब किसी और की सिनेमैटिक शूट करता हूँ, किसी और चीज़ को कैप्चर करके सिनेमैटिक शूट करता हूँ, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मगर अगर मैं किसी को कहूँ कि कोई मेरी सिनेमैटिक शूट करे, तो हो जाता है वो थोड़ा सा मामला ख़राब, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन हाई है, मगर जो शूट कर रहा है वो तो अनाड़ी है। मतलब आशीर्वाद से मैं अनाड़ी नहीं कह रहा हूँ, मगर उसको इतना नहीं पता है चीज़ों के बारे में जितना मैं शूट कर लेता हूँ। तो वो जब मेरी शूट कर रहा है तो मेरे को बहुत इरिटेशन हो रही है कि तुम मेरे क्या शूट कर रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारी अच्छी अच्छी रील फ़ोटोज़ निकाल रहा हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। खैर उसके बाद भी उसने कोशिश की, जो भी आई है मैं अगर अच्छी लगेगी तो मैं अपलोड करूँगा, वरना अपन का जो फैशन वाला चल रहा है थोड़ा सा उसी को कंटिन्यू करेंगे। और कुछ यहाँ के सीन अभी कुछ ऐसे बने हुए हैं, आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है और ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है यार देखने से। आशुतोष से हाय, हाय करो बे, अपने 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, अभी अपन बड़े आदमी बन गए हैं, तो बड़े आदमी बन गए। अभी कोई अपन के पास आया नहीं है, कहा नहीं कि भाई ऑटो ऑटोग्राफ दे दो, मगर हम लोग मास्क लगा के घूम रहे थे ना, इसलिए कोई पहचान नहीं पाया होगा हमको कि इतने बड़े ब्लॉगर्स कहाँ घूम रहे हैं। तो अभी हम लोग का कुछ सीन है कि मैंने बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं डाला है, क्योंकि मैं इसको एज ए जॉब नहीं देखना चाहता था। ऑन है कि नहीं, देख लो। हाँ ऑन है, ऑन है, क्या कह रहे हो? हाँ तो ऑन है, तो कैमरा ऑन है हमको, मैं डर गया, मैंने कहा इतना बोला मैंने, अंदर से इतनी आवाज़ आ रही थी। तो हाँ फिर बहुत दिनों से व्लॉग आ नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं इसको एज एन जॉब नहीं लेना चाहता था। अभी मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ ऐसा व्लॉग करने का या कुछ डालने का, क्योंकि फिर बार बार अगर हम फोर्स करके डालेंगे ना जो भी व्लॉग होगा, तो ऐसा लगेगा कि 9 to 5 जॉब कर रहे हैं हमको यहाँ पे कर रहे हैं, मगर ऐसा लगना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा फील नहीं आना चाहिए कि प्रेशर देके हम व्लॉग बना रहे हैं। तो जब भी व्लॉग निकलेगा हमारे अंदर से, तब हम व्लॉग बना के डालेंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे अपने आप को कि व्लॉग डालना है, एटलीस्ट व्लॉग डालना है, ऐसे करेंगे तो फिर यार ज़िंदगी इससे भी बोर हो जाएगी, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि अभी हम लोग चलते हैं, सीन कुछ ऐसे हैं, वो सीन कुछ ऐसे बोलने वाला कोई और है, मैं कॉपी ना ही करूँ वही अच्छा है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा खाते पीते हैं हम लोग, और क्या, आज जाम लगा है ना, करेंगे क्या है आज चहलू में तो थोड़ा सा जाम लगा हुआ है इस एरिया में। यार मेरे से हो ही नहीं रही थी, मतलब होती है ऐसी बात नहीं है,
मगर ये तुम्हारी वाली नहीं हो रही थी मेरे से। बैठे, अरे 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 बैठे ना, तो पसड़ जाता अभी मैं। चलो कुछ चीज़ नहीं रहता उसमें। यहाँ का खाया तुमने सबसे पहले, कैसा रहता है? ठीक है, अच्छा। तो आशुतोष ने हमारा कार्ड दिया है, ओवन स्टोरी बोल के पता नहीं कौन सी स्टोरी लेकर आ गया है। कौन सी स्टोरी है ये? ओवन स्टोरी तो मेरे को कहीं से नहीं लग रही है। जीतना चला लेना, गर्म है। सो नाउ वी आर लीविंग, अभी हम लोग चलते हैं और कुछ और खाते हैं, पेट नहीं भरा। आज अपनी वीडियो फुल ऑन नाइट मोड में शूट हो रही है, घर जाके जब एडिट करेंगे तब देखेंगे कि कैसी शूटिंग हुई है। अबे आशुतोष, मैंने अभी देखा भाई इसकी नाइट मोड की शूट वीडियो जो शूट हो रही है काफ़ी अच्छी शूट हो रही है। एक्सपेक्टेशन जितनी थी मेरे को उससे ज़्यादा ही अच्छी है। अरे अंकल जी कहाँ? अबे वो वाली खाते भैया, वो वाली होगी जो नहीं नहीं वो जो स्टिक में रहती है और मैंगो वाली रहती है, अंदर क्रीम रहती है। क्या नाम होता है इसका? असली आम। क्या हुआ था कि जब अपन एक दिन मैं ऑफिस जा रहा था, है ना ब्रो, ऑफिस जा रहा था और मतलब SKD स्कूल जो है, SKD एफ ब्लॉक वाला, राजीपुरम वाला, सी ब्लॉक है शायद वो, सी ब्लॉक पड़ता है, तो वहाँ पे वो थी वॉटर, मतलब पानी एकदम ऊपर तक का भर गया है ना, दिन बारिश हुआ था। हाँ बहुत हुई थी, रात में स्टार्ट हो गई थी, तो भाई पानी ऊपर तक का भर गया और मतलब आगे से ही लोगों ने गाड़ी रोक दी थी, मगर मैंने सोचा कि गाड़ी अपन पार करते हुए लेके चलते हैं। तो खैर गाड़ी वाड़ी लेके जा रहे थे, तो भाई मेरे को क्या हेलमेट पहना हुआ था, पानी आ रहा था, तो मेरे को क्या लगा ज़्यादा डूबा नहीं है और सिर्फ थोड़ा ही सा डूबा हुआ है। जब मैंने पानी अंदर गाड़ी अंदर घुसेड़ी भाई, गाड़ी के ऊपर तक का पानी और सर के ऊपर तक का जा रहा था। तब मेरे को पता लोगों ने गाड़ी लाना क्यों यहाँ पर बंद कर दिया था, मतलब लोग गाड़ी वाड़ी नहीं लाए थे। मैंने हवा बाजी में अकेले में थे, तो मैंने क्या देखा था, बस इतना मैंने देखा था कि जब भी गाड़ी ले जाओ पानी आने के में से, तो सेकंड गियर में गाड़ी डाल दो, बस एक्सीलेटर हौंकते रहो, तो क्या जो सैलेंसर है उसके अंदर पानी नहीं जाता है, और सेकंड गियर में हौंकते रहोगे एक्सीलेटर तो सैलेंसर के अंदर पानी नहीं जाएगा। तो मैंने वही किया अपना, मैं सैलेंसर के अंदर पानी एक्सीलेटर दिए पड़ता, आगे जाके गाड़ी रुक गई, सामने से बुलेरो आ रही, तो जब वही सामने से गाड़ी आएगी तो वेव आएगी ना एक, तो भाई वो वेव बनी और सब कुछ एकदम गाड़ी में लड़ी और गाड़ी का डिसबैलेंस एकदम डिसबैलेंस हो गई गाड़ी। किसी तरीके से मैंने संभाली, आगे जाके खड़ा हुआ तो वहाँ पे टेम्पो वेम्पो की दुकान थी, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बंद हो गई थी गाड़ी, मेरे को तो लग गया सैलेंसर के थ्रू पानी अंदर इंजन में चला गया होगा। तो फिर उन्होंने बताया कि उसने कहा कि नहीं नहीं नीचे प्लग होगा उसको निकालो, उसमें पानी चला गया होगा, तभी तुम्हारी भाई प्लग व्लग निकाला। मैंने चौक में डाली थी गाड़ी, फिर जब चौक हटाया तो स्टार्ट हुई, फिर ऑफिस गया था। मेरी फट गई, मैंने कहा आज तो बाप ऐसा फैलेगा, घर जाने लायक भी नहीं बचेंगे।